तो लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ बात की थी इसके बारे में, डेटा वैलिडेशंस को कैसे हम स्क्रिप्टिंग के जरिए करेंगे इसके बारे में हमने बताया था, हमने उसको रिकॉर्ड करके बताया था और कोड करके बताया था। हम बात कर रहे हैं चार्ट्स के बारे में कि चार्ट्स को किस तरीके से ऐड करेंगे स्क्रिप्ट के बारे की मदद मतलब से। ठीक है सर, तो पहले से प्रोग्राम को मैं डिलीट कर देता हूँ, फंक्शन पे आता हूँ और यहाँ पे फंक्शन कैंसिल कर देता हूँ, नीचा या कुछ भी कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वैर एस एस इक्वल टू वही स्पेयरशीट, वो भी बगैर स्पेयर मिस्टेक के, ऐप का ये बड़ा होगा गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। ओके, नाम नहीं देना है और फिर यहां पे देते हैं बैक, और मैं यहां पे एस टी कर देता हूं, एस टी इक्वल टू एस एस डॉट गेट सीट। तो यहाँ गेट सीट ओनली, गेट सीट, और गेट सीट के बाद यहाँ हम गेट सीट्स के बाद यहाँ हम नंबर देंगे कौन सा सीट है। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया, फिर देते हैं बैग चार्ट या सी एच कर देता हूँ, सी एच इक्वल टू एस 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 टी, सॉरी एस टी डॉट न्यू चार्ट, न्यू चार्ट, और इसमें हम क्लोज नहीं करेंगे, इसमें और भी देने हैं सेट चार्ट टाइप, और चार्ट टाइप में यहाँ पे चार्ट डॉट चार्ट डॉट बार बार यहाँ पे बार चार्ट डॉट सीएचईआरटी चार्ट डॉट ये दोनों बड़ा ही होगा, इसका सी बड़ा होगा सी और टी दोनों बड़ा। फिर यहाँ पे सेट पोजीशन, सेट पोजीशन, और यहाँ पे हमें नंबर दे दीजिए, माने कि ये रो कितना होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पे इसका नंबर देना होगा। यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, ऑफसेट एक्स कितना होना चाहिए 0, और यहाँ भी वाई 0। और लास्ट में क्या करेंगे सर, तो बताया था ना, क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई जेड का जो इसका पोजीशन है ना, पोजीशन सेट करना होता है। डेटा बेस में बताया था ना, बिल्ट ही लगाना पड़ेगा, एस टी डॉट इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट चार्ट, और यहां पे सी एच कर देता हूं, राइट। अब इसको रन करने से पहले हमें इसका डेटा रेंज होना चाहिए ना, बिना डेटा रेंज के तो रन होगा नहीं, किस पे चार्ट लगेगा, तो हमें डेटा रेंज देना पड़ेगा। तो मैं यहां पे मंथली कुछ फिगर दे देता हूँ,
यहाँ के सेल्स। मैं अपने इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ सबसे पहले और फिर इसको रन करता हूँ। मैं रन वहाँ से भी कर सकता हूँ मैक्रो से भी। सॉरी सॉरी जीरो हो गया, 1 2 3 4 हमने दिक्कत कर दी ना, यहाँ पे हमने जीरो दे दिया था, 3 होगा। ये सीट को नंबर के पोजीशन से लेने का ये है। हाँ सीट बाय नेम दे दे तो सर हर एंगल से बताना पड़ेगा ना सर। क्या वो तो मैंने सीट नेम तो मैं समझाया था ना आपको, मैंने यहाँ चार्ट क्रिएट तो हो गया बट नो डेटा करके आ रहा है। नो डेटा क्यों आ रहा है, मैं एक बार रन करता हूँ। और इसको करेक्ट करने के लिए हम माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड माइक्रो एरिया को हमने सेलेक्ट किया और हमने इंसर्ट चार्ट और हमने लाइन चार्ट या बार चार्ट तक ही लाइन चार्ट ले लिया। सेव करता हूँ या रिफ्रेश करता हूँ। वो हमने कैंसिल कर दिया लग रहा है, कर दिया मैं इसको सेलेक्ट। एक मिनट मैं करता हूँ रिकॉर्ड मैक्रो डेटा को सेलेक्ट किया इंसर्ट चार्ट और लाइन चार ही होने देता हूँ। एडिट स्क्रिप्ट सी एच चार्ट स्प्रेडशीट डॉट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट रेंज डॉट एक्टिवेट सीट स्प्रेडशीट डॉट एक्टिव शीट सीट डॉट न्यू चार्ट क्या राइट राइट ये रहा देख। गेट रेंज एड रेंज स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट नहीं स्प्रेडशीट नहीं होगा यहाँ एस एस हो जाएगा एस टी ठीक है। और मैं अब इसको यहाँ से रन करना चाहता हूँ मैं तो यहाँ पे पहले मुझे इम्पोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करना है कौन सा एन सी न्यू चार्ट एड फंक्शन कर दिया तो अब यहाँ मैक्रो लिस्ट में आ जाएगा और मैं इसको एन सी को रन करता हूँ। स्क्रिप्ट विभिन्न नो डेटा आ रहा है डॉट गेट रेंज एम
मैं यहाँ पे बार चार्ट अभी लिख रखा हुआ है ना। यहाँ पे शीट्स को कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं। चार्ट एक बार सेव कर दूं। ओके, हमें कुछ ज्यादा छेड़खानी कर दी। बस हमें ये यहाँ पे ये देना था रेंज, हमने इसको सेव नहीं किया था फर्स्ट टाइम। सेव करता हूँ मैं इसको। रिफाइन एरर एड इज नॉट डिफाइंड, सॉरी मैं डॉट लगाना इसे भूल गया। हाँ अब सही है, मैं एक बार सेव करता हूँ। या परफेक्ट, वो सेम था, हमें रेंज वो ऐड करना था। तो रेंज के वहाँ ने बहुत चीज़ किया है वो गलत था, हमें सिंपल करना क्या था, हमें यहाँ पे वेयर एसेस किया, स्प्रेडशीट हमने दिया, यहाँ पे हमने सीट को डिफाइन की कौन सा सीट है। इस पर हमने सीट बाय नेम नहीं बाय नंबर हमने किया है। तो ये नंबर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जब लूप वगैरह आप लगाएंगे तो वहाँ पर फ़ायदेमंद होगा, इसलिए मैंने ये चीज़ बताया। ठीक है सर। फिर यहाँ पे वेयर एस एच और एस टी डॉट न्यू चार्ट हमने किया। एस टी क्या है, एस टी हमारा सीट है। फिर इसमें एड रेंज और हमने एस टी का रेंज बाय नेम एड्रेस उठा लिया, ये रेंज होगा। हमने बार चार्ट उठाया, बार का जगह पे लाइन भी ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे पोजीशन ऐड किया कि ये चार्ट हमारा कहाँ शो होगा। और मान लीजिए पोजीशन में मैंने यहाँ पे 15 कर दिया, राइट, क्लीन कर दिया ना सर। और मैं इसको सेव, अब माइक्रो में आके मैं एक बार इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसी माइक्रो को दोबारा रन करता हूँ एनसी को। जैसे डिफाइन है इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे माइक्रो और यहाँ से एनसी कर देता हूँ। यहाँ दिखा सर, दो था, दो बार आ गया, एक बार डिलीट और किया, एक बार डिलीट। तो पोजीशन जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 15 ना करूँ, मैं यहाँ पे मान लीजिए 2 करता हूँ, 2 और यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, और फिर इसको सेव करता हूँ। हाँ यहाँ पे हमने इसको रन कर लिया, अब देखिए यहाँ पे सेट हुआ आ गया। अब इसमें ऑफसेट में जहाँ 0 0 किया था मैं वहाँ वहाँ 1 कर देता हूँ 1, और यहाँ पे हमने कर देता 1, इसको सेव कर दिया सर। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ टूल्स में जाके माइक्रो एनसी, थोड़ा सा हट गया, थोड़ा सा एक आया है, देखिए यहाँ पे हटा हुआ है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा नंबर बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ इसको 10 कर देता हूँ, 10 और 10 एक्स वाई जेड बढ़ा देता हूँ।
तो इसको एक आपको डिजाइन करके अलग अलग एंगल से देखना होगा कि कहाँ कहाँ क्या जाता है। थोड़ा सा हट गया सर, एक्स वाई जेड, जैसे कि अगर आप ए देते हैं, ये जो फाइव और फाइव जो आता है आपका, ये दोनों देते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग होते हैं, बट इसमें माइनर सा चेंज होता है। तो इसमें इसमें इस कोड में, हाँ इस कोड में आपने सीखा कि चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे हम बाय नंबर से सीट को कैसे लेंगे, और नंबर के रेंज बाय नेम, आप गेट रेंज पे हम डाल देंगे तो रेंज ले लेता है, चार्ट टाइप क्या है, पोजीशंस है, और बिल्ड तो पता ही है, और चार्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे, और रिकॉर्डिंग मैक्रो के जरिए आपने देखा इसे रिकॉर्डिंग मैक्रो में कितना लंबा बनाया हुआ था इसमें, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने ये डिफाइन हो गया, यहाँ पे चार्ट हुआ तो रेंज हो गया, यहाँ पे मर्ज स्ट्रेटजी हो गया, यहाँ पे ट्रांसपोज रो एंड कॉलम हो गया जो फॉल्स है नहीं करना है, ये हो गया नेम हेडर्स, ये आपका आ गया हिडन डायमेंशन सेट ऑप्शन 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 दिख रहा हो, और यहाँ सेट पोजीशंस, यहाँ भी दिख रहा है 1174 एंड 2 दिख रहा है, और यहां भी आपको बिल्ड दिख रहा है, बिल्ड इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है, डाउट तो नहीं इसमें सर?